हाय फ्रेंड्स, दादा लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है इसे एक नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं, मेरी ननद का लड़की का नामकरण संस्कार है, उनको भी बच्चा हुआ कुछ ही दिन पहले, तो उनका नामकरण संस्कार है, चलते हैं उसमें। मेरी फुल फैमिली आई है यहाँ पे अभी, और देखिए मेरे देवर जी रेडी हो रहे हैं। हाय करी जी, चलिए। ये देखिए मेरी चाची जी हैं, और ये मेरी मम्मी जी, ये जेठान हैं, और ये देवरान हैं, और इन दोनों लोग की मैं बहू हूँ। ये मेरे पापा जी हैं, ये भी जा रहे हैं, तैयार हो चुके हैं अभी। स्वरा भी रेडी हो चुकी हैं, स्वरा हाय करो। हाय। ये मेरी ननद है, वो बड़ी ननद है, ये छोटी ननद है मेरी। तो चलिए चलते हैं अभी उनके घर पे, वहाँ से पूरा सूट करते हैं, दिखाते हैं नामकरण कैसे संस्कार होता है, सब कुछ कैसे होता है उनके वहाँ का। और सारे जन मेहमान लोग आ गए हैं, तो काफ़ी भीड़ भी रहेगा। चलिए देखते हैं आगे का वीडियो, देखते हैं कैसा होता है। और मेरी वीडियो में फुल पूरा बने रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह मुझे आगे करते रहिए। अभी हम लोग निकले हैं घर से उनके वहाँ जाने के लिए, रात हो चुका है। टाइमिंग तो पहले शाम का ही था, लेकिन हम लोग को थोड़ा रेडी होने में टाइम लग गया, और मम्मी और पापा भी नहीं आए थे, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अभी हम लोग पहुँच जाएंगे 5 मिनट में। ये देखिए हम लोग आ गए, और ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है रोशनी, चाची जी हैं मेरी, और वो देवर और ननद बैठे हैं, और सबसे घर की बड़ी ये मेरी दादी हैं, दादी जी, और वो चाचा जी बैठे हैं। परिवार के हर सदस्य हैं, ये मेरी दादी की भाभी जी हैं, पापा और उनके फ्रेंड्स बैठे हैं, ये उनके हस्बैंड हैं ननद के। तो सब जन कुछ ना कुछ नाश्ता पानी कर रहे हैं खाने के लिए। ये तो सबसे सरदार बच्चा है, देखिए नाम का, ये देखिए वाओ, स्वराज नाम है उनका, उनके बच्चे का, क्योंकि हम लोग के बेटी का नाम स्वरा है, और उनकी बुआ उनसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए अपने बच्चे का नाम उन्हीं के नाम पे स्वराज लग दी है। घर का डेकोरेशन हुआ था, हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे, तो ओवरऑल पूजा वूजा जो था वो थोड़ा हो चुका था, और बच्चे को पालना में डाल दिया गया था। ये तो पालना में डालते टाइम का एक पूजा होता है, ओटी वगैरह भरा जाता है। ये नन्हा सा हम लोग का स्वराज, ये पापा उसको लाए थे गिफ्ट के तौर पे, पहली बार मतलब देखे थे, तो उसको चैन वगैरह हम लोग में दिया जाता है, ऐसे ज्वेलरी बच्चों को, हाथ पैर का, और माँ को कपड़ा, उनके घर में जितने जन हैं उनको कपड़ा दिया जाता है। तो हम लोग ने सब कुछ किया उनके लिए, पापा चैन पहनाया उसको, वो सोया था तो उसका मुंडी थोड़ा नीचे था, तो पापा ने उसको चैन पहनाया, हाथ पैर का नहीं पहनाया, हम लोग साइड में रख दिए, क्योंकि बहुत छोटा है तो उसको शायद हाथ पैर में लग सकता है, इसके लिए हम लोग ने हाथ पैर में कुछ भी नहीं पहनाया, सब साइड में निकाल निकाल के रख दिए। और जो भी गिफ्ट वगैरह रहता है सब जन देते हैं। मेरी स्वरा घर में सबसे बड़ी है, मैं बड़ी बहू हूँ, तो मेरी स्वरा बड़ी बहू है। उसके बाद ये नन्हा सा बाबू हुआ स्वराज, बहुत ही प्यारा है, देखिए पैर एकदम छोटा छोटा पैर था उसका, तो हम लोग को डर लग रहा था पहनाने में, इसलिए हम लोग ने कुछ भी पहनाया नहीं, साइड में ही सब कुछ रख दिया। और वो सोया था पूरे पूजा के टाइम में ही सोया था, उठा ही नहीं, हम लोग घर तक चले आए लेकिन वो नहीं उठे। देखिए साइड में सब कुछ रखा जाएगा, उनको हम लोग गिफ्ट करते हैं सब सामान, सब जन हैं घर के सारे सदस्य, और आधे जन चले गए क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट से आए, तो पूजा पहले ही हो गया। मैं पहले ही बोली कि पूजा शाम का था, लेकिन हम लोग को निकलते निकलते 7 o'clock हो गए थे, 7 बज गए थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था हम लोग को, और लेट हो गया था तो कार्यक्रम भी थोड़ा बहुत हो गया था, और सब जन आए थे वो निकल भी चुके थे, तो जो भी हम लोग को लेकर के आए थे देने के लिए वो सब हम लोग दे देते हैं उनको। बहुत ही अच्छा लगता है नामकरण संस्कार में, और जब छोटा सा नन्हा सा बालक किसी के घर में आता है तो उसकी दुनिया ही बदल जाती है, उसको हर एक चीज़ करना, नहलाना धुलाना, हर एक काम करना, नहीं तो स्वरा के लिए तो बहुत परेशान रहती थी इनकी बुआ जी, देखिए उनकी मम्मी है। तो हम लोग सबको एक एक करके ऐसे साड़ी कपड़ा सब कुछ देते हैं, और खाना पीना भी बहुत एक नंबर का टेस्टी था, बट हम लोग खाने पीना का वीडियो वगैरह नहीं ले पाए क्योंकि ऊपर था और सब खाने में लगे थे, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो लेना सबका। सब जन घर में आए थे, सब जन बहुत ज़्यादा खुश थे,
और मेरी स्वरा तो इन पूरे वीडियो में कहीं दिखी ही नहीं होगी, क्योंकि वो अपने खेलने में ही मगन थी, बहुत ज़्यादा इधर से उधर कूदना खेलना सब करना। हम लोग दिए तो फिर वो लोग भी हम लोग को एक एक ओटी भरते हैं, देते हैं सब सामान खाने पीने का, साड़ी ओड़ी का। सोया ही था वो, तो चाची ने भी जो अपनी तरफ से गिफ्ट वगैरह लाया था वो पहनाया उसके पैर में, चाची ने तो पहना ही दिया। फिर वो बाद में थोड़ी देर बाद उन्होंने निकाल दिया क्योंकि उसके पैर में धंस रहा था। अब जब सबका हो जाता है गिफ्ट ले दे करके, तो वो लोग ओटी भरती हैं, चाची जी का उन्होंने ओटी भरा। फिर उनका भरने के बाद उनको कपड़ा वगैरह दिया, नारियल चावल के साथ ओटी भरा जाता है। फिर मेरा उन्होंने मुझको बुलाया, मेरा भी उसी तरफ सेम जैसे उन लोग का ओटी भर, मेरा भी ओटी भर के जब भी हो गया तो हम लोग फुल फैमिली खाना वगैरह खा करके, टेरिस पे खाने का सिस्टम था वहाँ पे, खाना पीना खा करके हम लोग अपने घर चले आए। घर में सारे लोग आ गए, बहुत मज़ा आया जा करके, नामकरण हुआ, स्वराज नाम रखा, सबको जान करके बहुत अच्छा लगा और बहुत इंजॉय भी किए हम लोग। तो चलिए तो फ्रेंड्स हम घर पे आ गए हैं और अभी मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी या फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।